दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस बर्ट में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर में। और हो चुका है नई दिन की नई शुरुआत, और आज नए शुरुआत में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि घर में चल रहा है कुछ काम, है ना। मतलब आज का जो ब्लॉगिंग है हमने दिन से स्टार्ट किया है, तो आज हमारे घर पे दिन में कुछ काम हो रहा है, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि क्या काम चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण काम होने वाला है क्योंकि हो रही है सफेदी बाहर, है ना। बहुत ही मतलब सफेदी होती है तो बहुत ही होच-पोच होती है घर में, कि बहुत जगह मतलब फैला होता है सामान और कचरा जो भी होता है, मतलब वो सफेदी की धूल मिट्टी जो भी सारा पूरा फैला हुआ है। तो एक झलक दिखाते हैं हम आपको कि कैसा चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस दिखाते हैं कैसा चल रहा है। तो सुबह लगाया था रुचि ने यहाँ पोचा, है ना। कितनी मेहनत से लगाया है पोचा, लग तो नहीं रहा अभी, अभी कंडीशन देख के तो लग नहीं रहा कि पोचा लगा है। अभी तो लग भी नहीं सकता ना, क्योंकि अभी इसकी हालत बहुत ही गंदी हो गई है। अच्छा, सफेदी चल रही है। सफेदी से पहले वो जो भी क्या बोलते हैं, घिसाई, हाँ वो हो रही है। तो इसलिए उसके चक्कर में सारी कलर पेंट सब उतर के नीचे गिर रहा है सारा। देखो नीचे क्या हालत हो गई है, बेचारी की मेहनत बर्बाद चली गई, है ना। और अभी जो हमारा मेन रीज़न सफेदी कराने का ये था कि पपड़ी पपड़ी पूरी निकल रही है पूरे मतलब गैलरी में, है ना। पूरा हो चुका था पपड़ी पपड़ी जो भी छूट रहा था इसमें से, है ना, ये सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर भैया लगे हुए हैं काम करने पे, और उन्होंने आधा तो छुड़ा ही दिया है, है ना। एक बारी दिखाता हूँ मैं आपको, तो आधा काम हो चुका है, आधा रह रहा है। तो अभी आपको दिखाते रहेंगे हम, है ना, होती रहेगी, हम दिखाते रहेंगे आपको कि सफेदी कितनी तक और कहाँ तक पहुँची है ना। और बहुत ही जल्दी मतलब ख़त्म हो जाएगी सफेदी, क्योंकि हमारे को बस भारी भार जो था वो करवाना है, डेंटिंग पेंटिंग जितना भी रह रहा था। हाँ, सीढ़ियों के आसपास अंदर तो नहीं कराना, अंदर तो सब बढ़िया, अंदर तो फर्स्ट क्लास है पूरा। हमने अंदर तो बिल्कुल सेटअप करके रखा हुआ है पहले से ही, है ना। तो इसलिए बाहर में जरूरत था, तो इसलिए बाहर बाहर का हो रहा है, तो बने रही रुचि। बाहर मिलजली जो भी हो रहा था, मतलब वो पपड़ी जो निकल रही थी बहुत बेकार लगती थी, और लगती थी क्योंकि कोई भी आता है फर्स्ट इम्प्रेशन या लास्ट इम्प्रेशन, तो मतलब जो भी आता था बाहर से ही देखता था। अंदर सुंदर होना हो, बाहर से दिख रहा है कि पपड़ी पपड़ी निकल रही है, तो ऑब्वियसली यही लगे कि खराब हो रहा है, अंदर भी खराब ही होगा, है ना। तो इसीलिए हमारा मेन पर्पस ये था कि बाहर पूरा ही हम बिल्कुल से फ्रेश जैसा कर दें, क्योंकि जो प्रीवियस सफेदी हुई थी, पहली सफेदी शादी से पहले, वो शायद पता नहीं कैसी सफेदी करके गए कि पूरे ही पपड़ी पपड़ी निकलनी शुरू हो गई उसकी। तो बल्कि ये शायद अभी ही कराया था ना, हाँ अभी करवाया था शादी को, अभी एक साल भी नहीं हुआ है हमारी, तो उसमें ही करवाया था। हाँ, तो अभी उसकी पपड़ी निकलनी शुरू होगी, तो इसीलिए आप फिर से उसको रिपेयर करने के लिए फिर बुलाया सफेदी वाले भैया को, तो अब वो सफेदी कर रहे हैं। तो लेट्स ही देखते हैं, वो कह रहे हैं कि अब सफेदी पे पपड़ी बिल्कुल नहीं आएगी, तो देखते हैं अब उनका कैसा काम होता है। फिर ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे, हाँ अभी शाम में क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल बने रहिएगा, तब तक के लिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। और अभी मैं जा रहा हूँ सामान लेने, तो सफेदी वाले भैया के तो ये आ गए सामान लेके, और ये सारा सामान हम पहले लेके आ गए थे, और फिर ये बचा हुआ शायद। ये सारा सामान रिक्शे में आया था, जो रिक्शे वाले भैया अभी रख के चले गए हैं, है ना। और मैं पीछे से बस ये दो सामान लेके आ रहा था। अच्छा, मतलब सारी मेहनत उस भैया ने रिक्शे में लेके आया, और आप ये दो पन्नी हाथ में लेके आए। तो मैं तो दो पन्नी लेके आया सामान की, कि ज्यादा सामान था नहीं, तो हल्का फुल्का सामान मैं उठा के लेके आया, बाकी रिक्शे में लेके आया। क्या होने वाला है वो तो आपको पता ही है कि स्टंपर की बाल्टी है, और वो बोलेंगे कलर से, फिर सारे आपका काम नहीं है, सारा भैया करेंगे, यहाँ जो भैया लगे हुए काम। ये बारिश बहार जमाझम, तो दोस्तों हो चुकी है शाम, और शाम के टाइम पे देख रहे हो किचन पे क्या बन रहा है, तो बन रहा है ये गर्मा गर्म पकौड़े, और ये माँ ने बना रखा है करेला,
दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, और इसमें माने बहुत सारा मेहनत करके बनाया हुआ है। इसको पहले फ्राई किया हुआ है, फिर उसके बाद मसाले डाले इसमें बहुत सारे, और ये दिखने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, तो खाने में भी तो बहुत अच्छा होगा। और साथ साथ में ये पकोड़े, हम पकोड़े के इंतजार ही कर रहे हैं यहाँ पे, कब बनेगा और खाएंगे। रुचि बनाएगी। हाँ, अब मैं बनाऊंगी पकोड़े। हाँ, आधा भी ये रहा। आधा रुचि बनाएगी। हम बन रहे हैं चाय पकौड़े। हाँ, और यहाँ पे चाय भी बन रही है, और बाहर तो बारिश हो ही रही है, तो बारिश में पकौड़े और चाय की मजे लेंगे अब। तो चलो बनाते हैं पकौड़े, फिर खाते हैं। माँ ने ये बना रखे पकोड़े, और अब कह रहे कि मैं बनाऊंगा नया स्टाइल का पकोड़ा, गोल वाले लड्डू जैसा। चलो फिर राम लड्डू। राम लड्डू उसी के जैसे राम लड्डू नहीं है, वो दाल के लड्डू है वो। तो ये है दाल के लड्डू। ये दाल के लड्डू है, जो भी खाएगा मस्त हो जाएगा, जो भी खाएगा दोबारा बोलेगा दोबारा लाओ। हाँ दोबारा लाओ। इसके एक्चुअली इसके मंचूरियन भी बन सकते हैं। और क्या। तो अभी सफेदी वाले भैया जा चुके हैं और रुचि ने कर चुकी है सफाई नीचे की दोबारा से। अभी जो देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे सफेदी की पपड़ियाँ छोड़ा छोड़ा के जो फैलाई हुई थी सब साफ कर चुके हैं, और उसका क्रेडिट जाता है रुचि को। तो रुचि बताओ कैसा लग रहा है सफाई करके। पता इतना सारा वो निकला था। कितने पैकेट बनाए थे तुमने उसके, जो निकली थी पपड़िया उसकी दीवार की। चार तो, मतलब तो चार बड़ी बड़ी पॉलिथीन में भर के, और दो ऊपर वाले थे, तो चार पैकेट वो निकले। चार पॉलिथीन्स, पॉलिथीन्स भर भर के, जो चार चार किलो की होती है। अभी हमने बस ऊपर ऊपर से सफाई करी है, पोछा वोछा नहीं लगाया, क्योंकि कल फिर करेंगे वो सफेदी, तो फिर दोबारा से कल ऐसी हालत हो जाएगी। और कल तो हम होने वाले नहीं है घर पे, मतलब कोई नहीं, शाम को आके फिर साफ करना पड़ेगा। शाम को कोई नहीं, शाम को करेंगे साफ। और हम खा रहे हैं, ये देखो अभी भैया है, तो भैया हमेशा जब आता है ऑफिस से तो भुट्टा जरूर लेके आता है, क्योंकि भुट्टा सभी को पसंद है, घर में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको भुट्टा पसंद नहीं है, है ना। मतलब ये हेल्दी भी होता है, तो और ये बहुत अच्छा, मतलब टेस्ट भी अच्छा होता है इसका, और ये बिल्कुल बॉइल्ड बॉइल्ड वाले क्या बोलते हैं वो, भुना हुआ होता है ना, उससे अच्छा ये वाला, भुने हुए से ज्यादा अच्छा ये वाला लगता है। बॉइल्ड बॉइल्ड वाले में टेस्टी अलग आता है ना। हाँ। और हेल्थी भी ज्यादा होता है भुने हुए से, देखिए कच्चा ही खा रहे हैं। होता है ना, उसमें ना बहुत सिलेक्टेड होते हैं जो अच्छी टेस्ट आएगी, मतलब उसमें जो मतलब ज्यादा पका हुआ उसमें भी ज्यादा टेस्ट नहीं आता, जो हाँ। कम पका होता है उसमें भी ज्यादा टेस्ट नहीं आता। भुट्टे की तो जैसे मतलब मैंने बताया कि मुझे ये बॉइल किया हुआ भुट्टा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो भुना हुआ भुट्टा है वो हमने बहुत खाया है बचपन में, मतलब मेरे घर में मेरे खेत में होते थे, तो मेरे नाना नानी वो भून के दे देते थे, और वो तो पॉपकॉर्न टाइप का, वो उसको सुखा के बनाते शायद से ना, तो उसको पॉपकॉर्न टाइप के भी बना के देते थे। तो चलो पुरानी याद अभी ताज़ी हो गई है। तो दोस्तों अभी मतलब हमारी छुट्टी हुई है, और अभी हम जॉब से घर जा रहे हैं। हाँ। तो अभी हमें पता चल रहा है कि जैसे किसी ने गेस्ट भी किया था कि हमारे साथ में मंडे को छुट्टी होती है, तो हाँ वो सही थी, बट इस बार ये हुआ अभी हमें पता चला कि हमारा ऑफ साथ में नहीं है, तो बहुत क्या बोलते हैं बैड न्यूज है ये। तो मतलब हमने कल का प्लान बना रखा था। अच्छा। कि हम शॉपिंग करेंगे राखी, मैंने राखी वगैरह कुछ किया नहीं है, तो वो प्लान पूरा चौपट हो गया है। तो अभी चलते हैं, और अभी रास्ते में है तो मतलब अभी आगे गाड़ी भी देखनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देते हुए तो हमने सोचा कि कल का प्लान था वो अभी कर लेते हैं, तो अभी हम करेंगे घर जाने से पहले राखी को शॉपिंग करते हुए घर जाएंगे। तो घर में हमने बता दिया कि हम आज थोड़ा लेट आएंगे, है ना। तो आप लोग कैसे क्या राखी देते हैं वो भी। एक्चुअली हमारे इधर राखी की शॉपिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि मार्केट ही लगती है पूरी मंडी, है ना। हाँ,
मतलब काफी दिन से मार्केट लगना तो स्टार्ट हो गया था, तभी मच रहा था मेरे का, लेकिन हमने सोचा कि कोई नहीं एक दिन तो हमारा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट सब्जी मंडी और यहाँ पे वहीं से लेंगे हम राखी भी। तो चलो देखते हैं किस किस स्टाइल में डिज़ाइन में मिलेगी हमें राखी, उसी हिसाब से लेंगे, है ना? इसी हिसाब से लेंगे। बहुत भीड़ हो रही है यहाँ, यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम राखी की मार्केट, और राखी की मार्केट में बहुत सारी राखियाँ हैं। रुचि देख रही है गुड्डा गुड़िया वाली, है ना? कौन सी चाहिए? तो यहाँ रुचि को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी राखी ले, और इतनी सारी वैरायटी देखे तो मतलब चौंक चुकी है कि कौन सी ले हैं। तो भैया खुद से दिखा रहे हैं, तो अच्छी अच्छी राखी है, सभी पसंद आ रही है ना? मेरे को ये वाली सबसे अच्छी लग रही है, इसमें गणेश जी बने हुए हैं। हाँ, गणेश जी वाली बहुत अच्छी लग रही है, ये वाली तो चमक दमक वाली है। तो यहाँ तो मेरे को ब्रदर लिखा हुआ भी है, ब्रदर ब्रदर वाली ले लेते, बताओ एक ये ले लेते हैं। तो रुचि कैसा लग रहा है? पैसे निकाले जा रहे हैं, भैया की दुकान में बहुत। तो पैसे आएंगे भी तो सही, पैसे आएंगे भी तो सही, जितने पैसे लग रहे उतने पैसे आएंगे भी तो सही है भाई। अच्छा, लेन देन हो रहा है, लेन देन हो गया। हम राखी के थ्रू देंगे, वो लिफाफे में दिखा देते। कौन सी राखी ली? ये सारी राखी ले ली है, और अंकल की दुकान में बहुत अच्छी वेरायटी।